आंध्र प्रदेश में अपोजिशन लीडर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हमलावर को 6 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। स्थानीय अदालत ने वाईएस जगन के हमलावर जूनापल्ली श्रीनिवास राव को 6 दिन की पुलिस कस्टडी देते हुए आदेश जारी किया है। इसी के चलते पुलिस हमलावर को रविवार को कस्टडी में लेकर आगामी 2 नवम्बर तक पूछताछ करेगी। दूसरी ओर वाईएस जगन पर हुए हमले के बाद आरोपी के जेब में जो पत्र मिला था, पुलिस उस सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। इसी क्रम में टीडीपी नेता और फ्यूजन होटल के मालिक हर्षवर्धन चौधरी से शनिवार को पूछताछ की गई। यह भी कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन होटल में काम करने वाले अन्य से हमलावर श्रीनिवास राव को अधिक वेतन दिया करता था, साथ ही उसके मकान का किराया भी देता था। यह कहा जा रहा है कि हमलावर को शहर में मुर्गा बाजार का बहाना बनाकर बुलाया गया था।